अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ एक स्वीट इवनिंग स्नैक। तो मैंने यहाँ पर लिया है ग्राइंडर जार, इस पर मैंने हाफ कप चीनी को पाउडर में बना लिया है। अभी मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी 300 ग्राम्स के करीब फेनी यानी कि लच्छा सिवाई, और इसको हाथों से अच्छे से क्रश कर लेना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत दिनों तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको हम पकाएंगे लो फ्लेम में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्लेम में पकाओगे तो ये नीचे से जल जाएगा और अच्छे से नहीं पकेगा। फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसको लो फ्लेम में चारों ओर से आपको चलाते रहना है। देखिए इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ऐसे ही हम इसको चलाते रहेंगे। इसको थोड़ी देर और पकाना है। इवनिंग स्नैक्स आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। देखिए इसका कलर अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया है हमारा सेवई, फ्राई हो चुका है अच्छे से। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर और पाउडर शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसको हम छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, फिर इसको आप एंजॉय कर सकते हो। देखिए यह हमारा ड्राई फेनी यानी कि स्वीट इवनिंग स्नैक्स रेडी हो गया है। और इसको ठंडा करके आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा शुगर डाल के गार्निशिंग कर लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।